हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का बस बोर्ड का पेपर बस ख़त्म होने वाला है 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद से आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है। तो प्लीज़, साल भर आप लोगों ने मैथ में क्या किया आप जानो, कैसे पढ़ा आप जानो, बट प्लीज़ इस 3 दिन का अपना 200% दो। बस ये मान लो कि आपके लिए सिर्फ 3 दिन लाइफ है, सिर्फ 3 दिन लाइफ है, और 3 दिन में आपको 10th का NCERT पढ़ना है। जो लोग आरडी शर्मा नहीं पढ़ना चाहते हैं वो लोग मत पढ़ें, बट जो लोग 70+ और 80% पाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, वो केवल अगर NCERT का पूरा क्वेश्चन अगर बैठ के इस 3 दिन में भी अगर तैयार कर लें तो कोई माई का लाल रुक नहीं पाएगा। तो आप लोगों ने 1 साल क्या किया वो आप जानो, लेकिन प्लीज़ इस 3 साल का बस ये मानो कि यू हैव ओनली 3 डेज, आपके पास केवल 3 दिन है लाइफ में, और अपना 200% लगाओ, आपको 70-80% कोई माई कला रोक नहीं पाएगा। इसके लिए बेसिक, सबसे मेन चीज़, बेसिक फार्मूले को पहले आप लोग रब पे 2-3 बार लिखो, 4 बार लिखो कि आपको फार्मूले पता हो कि इस क्वेश्चन में यह फार्मूला है, और उसके बाद से जो NCERT में दो चार करके जो एग्जाम्पल दिया है उसको लगाओ और फिर NCERT स्टार्ट करो। एग्जाम्पल से आपको रास्ते समझ में आएंगे कि यह क्वेश्चन ऐसे इस स्टेप से ऐसे हो रहा है। अगर फार्मूला याद है तो उसमें फार्मूले को अप्लाई करो, और फिर उसमें जो एग्जाम्पल, जो 3-4 एग्जाम्पल दिया है उनको सॉल्व करो। एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे स्टेप बनते हैं। यही मैं आप लोगों से कई दिन से बोल रहा था, 1 साल से बोल रहा था, कितने साल से बोल रहा हूँ। जब भी मेरा मैथ का लेक्चर आता है तो मैं पहले बोलता हूँ रूल्स और स्टेप विथ एग्जाम्पल, यह मेन चीज़ है मैथमेटिक्स के लिए, रूल्स एंड एग्जाम्पल। अगर यह दो चीज़ आप लोगों ने 80-70% भी अगर कवर कर लिया तो जो साइड में क्वेश्चन आते हैं वो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आपको रास्ते पता हो गए हैं विथ एग्जाम्पल, फार्मूले पता है कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को फॉलो करो, और 3 दिन बाद से टाइम आपका होगा, 3 दिन बाद से टाइम आपका होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आउट ऑफ बुक आएगा। अरे भाई कहाँ से आएगा, जब रूल आपके NCERT में है, जब रूल आपको याद है, स्टेप आपको आ रहा है, तो उसी स्टेप उसी रूल पे ही क्वेश्चन आएंगे साहब। जो NCERT में मानता हूं कि कुछ अंक कुछ और होंगे, संख्या कुछ और दी गई होगी, यहां पे कुछ और आ जाएगा, क्या दिक्कत है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, विश्वास लाओ, अपने अंदर विश्वास लाओ कि आप कर सकते हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, यू कैन डू। अपने आप से बोलो कि मैं मैथ में कर सकता हूं, 80+ आ सकता है, 70% आ सकता है, आप कर सकते हो। तो प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो करो, और प्लीज़ अपना 200% दो, टाइम आपका होगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन।